पर स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। इस समय मैं कस्बा गंगो के एक मंदिर में मौजूद हूं और ये सामने आप मंदिर देख सकते हैं। और आज हम यहां मंदिर में आचार्य जी से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि धर्म क्या है, क्या परमात्मा को याद करने के लिए मंदिर या फिर मस्जिद या फिर गुरुद्वारा या फिर गिरजाघर की आवश्यकता होती है, और क्या एक विशेष धर्म के लोगों को ही परमात्मा को प्राप्त करने का अधिकार है, स्वर्ग को प्राप्त करने का अधिकार है। और आचार्य जी को आप देख सकते हैं, आचार्य जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। आचार्य जी से बात करने के लिए हम आए हैं और आचार्य जी निखिल आचार्य जी हैं और एक बड़े कथावाचक हैं। शास्त्रों का इन्हें ज्ञान है, लगातार अध्ययन भी करते रहते हैं और अलग अलग जगहों पर कथाएं करने का काम करते हैं। आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत करता हूं हिंदुस्तान 24 पर आपका। मान्यवर आपका बहुत बहुत आभार आप यहां तक आए। आप मंदिर में बैठे हुए हैं और मंदिर का नाम है हरिदास मंदिर, तो थोड़ा इस मंदिर के बारे में आप बताइए। लगभग जितने भी धार्मिक व्यक्ति हैं सभी को बाबा हरिदास जी के बारे में ज्ञात है, जिन्होंने बैजू बावरा तानसेन जैसे रत्नों को दिया है। संगीत जगत की महान हस्तियों को पैदा बाबा हरिदास जी ने किया है और हम सौभाग्यशाली हैं, गंगो जैसे साधारण से कस्बे में बाबा हरिदास जी की समाधि है। गंगो वैसे सांप्रतिक सौहार्द का भी प्रतीक है। यहाँ पर बाबा हरिदास जी और मौलाना बख्श एक यहाँ पर पीर हैं, तो उन दोनों का ये बड़ा प्यारा स्थान है। इन दोनों की मित्रता भी प्रसिद्ध रही है, लगभग समान समय में इनके मेला होता है यहाँ पर। तो मैं भी यहाँ पर दर्शन करने आया, चूँकि संगीत से मेरा लगाव है, जुड़ाव है, महाराज श्री की समाधि को प्रणाम करने आया हूँ, उनसे पॉजिटिव एनर्जी लेने आया हूँ, सकारात्मक ऊर्जा, जिससे जीवन में मैं भी अच्छा कर सकूँ, इस भाव से यहाँ पर आया। आपका अभिनंदन है, आप पहली बार यहाँ पर आए शायद, तो बहुत बहुत आभार आपका। आचार्य जी अब सवाल ये है कि क्या परमात्मा को याद करने के लिए मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे की आवश्यकता होती है? नहीं, आवश्यकता तो व्यक्ति की स्वयं की चेतना भावनाओं की होती है, धारणाओं की होती है। मंदिर मस्जिद साधन मात्र है, मंदिर मस्जिद या जो भी धार्मिक केंद्र है वो हमें उनका वातावरण उनका परिवेश इस प्रकार का होता है कि हम लोग उनसे धर्म, हमारे भीतर धर्म का संचार हो सके, प्रेम का संचार हो सके, सद्भाव का संचार हो सके, इसलिए मंदिर मस्जिद आवश्यक है। अगर मंदिर मस्जिद से प्रेम सद्भाव ना फैलता हो तो फिर व्यर्थ होता है आना। यहाँ पर आकर के भी सद्भाव प्रेम ना फैले तो मैं समझता हूँ निरर्थक है आपका यहाँ पर आना। धर्म क्या है आचार्य जी? क्या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सभी अलग अलग धर्म हैं? पहले मैं चर्चा धर्म पर करूंगा। धार्यतीति धर्म, कर्तव्य को साधारण अर्थों में, कर्तव्य को, ड्यूटी को, करने वाले कर्मों को धर्म कहा गया है। बेटी का कर्म, माँ का कर्म, बेटे का कर्म, पिता का कर्म, कर्तव्य, इनको भी साधारण अर्थों में धर्म कहा गया है। राष्ट्र के प्रति जो हम करते हैं उसको भी धर्म कहा जाता है। दूसरे अर्थों में, पाणिनि के अर्थों में या फिर अन्य महापुरुषों के अर्थों में, ईश्वर प्रदत्त जो व्यवस्था है उसको धर्म कहा जाता है, जिसमें कभी ना बदलाव होता है, जो अपरिवर्तनशील है, जिसमें कभी बदलाव नहीं हो। सूर्य का धर्म है प्रकाश देना, पानी का धर्म है बुझाना, अग्नि का धर्म है जलाना, जो सब पर समान रूप से ईश्वरीय कानून को, ईश्वरीय विधान को, ईश्वरीय व्यवस्था को धर्म कहा जाता है। रही बात पंथ की, संप्रदाय की, ये मानव के द्वारा बनाए गए हैं, उनको पंथ संप्रदाय कहा जा सकता है, मजहब कहा जा सकता है। ईश्वर द्वारा, जो परमात्मा के द्वारा दिया गया है वह धर्म होता है, बाकी पंथ संप्रदाय है जो विभिन्न प्रकार के हैं। एक पंथ संप्रदाय में भी अलग अलग खंड हैं, अलग अलग फिरके हैं, अलग अलग जातियां हैं, व्यवस्थाएं हैं, पंथ संप्रदाय बटे हुए हैं, लेकिन धर्म सर्वत्र एक ही है। वो हिंदुओं पर भी उतना ही लागू होता है, मुस्लिमों पर भी उतना ही लागू होता है, ईसाइयों पर, सिखों पर, जितने भी मानव मात्र हैं सब पर समान रूप से जो लागू होता हो, ईश्वरीय विधान है वो, उसे धर्म कहा जाता है। क्या परमात्मा एक है? निश्चित रूप से
क्रिएटर बनाने वाला एक ही है, क्योंकि उसका विधान भी एक ही है, वो सब पर लागू होता है, वह एक ही है और एक ही रहेगा। जब परमात्मा एक है तो फिर मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे ये सब क्यों हैं? कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, ये सब क्यों हैं? दरअसल समय समय पर अनेक महापुरुष संसार में अवतरित हुए हैं। उन्होंने मानव को व्यवस्थित करने के लिए कुछ संविधान का निर्माण किया। दुर्भाग्य से कालांतर में कुछ लोगों ने उन्हें धर्म मान लिया है। वह पंथ संप्रदाय मानव को व्यवस्थित करने के लिए बनाई गई। मंदिर मस्जिद की महत्ता केवल इसी कारण से है कि हम वहाँ आकर के हम अपने आप को व्यवस्थित कर सकें, और ईश्वर ने जो संविधान बनाया है उसका अनुसरण करते हुए मानव मात्र के लिए जो धर्म है उसमें सहयोग प्रदान कर सके, ऐसी चित्तवृत्ति का निर्माण जहाँ पर हो जाए उसे हम धार्मिक केंद्र कहते हैं। क्या ईश्वर के अलावा किसी और के सामने सिर झुकाना, सजदा करना सही है? भारतीय संस्कृति में बड़ों को, महापुरुषों को, अच्छे लोगों को हम तो देवताओं की श्रेणी में मान लेते हैं। यहाँ तक कि भारतीय संस्कृति ने तो बाहर से आए धर्मों को भी स्वीकार किया है, पंथ संप्रदाय को भी स्वीकार किया है। अगर मैं इनको इन शब्दों में भी कहूँ, कुछ लोग आक्रमणकारी इस देश में आए जिन्होंने जबरन धर्म परिवर्तन कराया, यहाँ पर लूट मार की, उनकी कब्रों पर जाना, उनकी समाधियों पर जाना भी भारत ने तो उनको भी अंगीकार कर लिया है। हम लोगों ने हमारे जैसा भला सहिष्णुता और होगी कहाँ? हम सहिष्णु लोग हैं, हम तो स्वीकार कर लेते हैं। दुर्भाग्य से दूसरे लोग हमारी परंपराओं को, हमारी व्यवस्थाओं को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। क्या अलग अलग धर्मों में परमात्मा के जो नाम हैं वो सभी एक ही परमात्मा के नाम हैं? परमात्मा अगर कोई क्रिएटर है, मैं मानता हूँ एक व्यवस्थापक है इस संसार का, मेरे अर्थों में तो वो परमात्मा नाम से परे है। नाम रूप ये मानवीय मस्तिष्क की खोज रही हैं। हम जब भी हमने किसी महापुरुष को या किसी बड़ी हस्ती को भी नाम में, रूप में, एक ढांचे में आबद्ध कर लिया है, तभी हमने उनको छोटा कर दिया। परमात्मा इतना विराट है, वो नाम से भी परे है, रूप से भी परे है। नाम रूप हमारे मन की एक सीमित सीमा है, इसलिए हम परमात्मा को नाम में, रूप में बांध लेते हैं, बस इतना भर है। क्या अलग अलग धर्मों के लोग अपने रीति रिवाजों से पूजा अर्चना करके परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, स्वर्ग को प्राप्त कर सकते हैं, या फिर किसी विशेष धर्म के लोगों को ये अधिकार है कि वो अपने रीति रिवाजों से पूजा अर्चना करके परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, स्वर्ग को प्राप्त कर सकते हैं, जन्नत को प्राप्त कर सकते हैं? जन्नत, स्वर्ग, नरक ये कॉन्सेप्ट पूरा आदमी का बना हुआ है, इसका कोई प्रमाण तो है नहीं किसी के भी पास। मानव को भय दिखा करके धार्मिक बनाने, वस्तुतः व्यक्ति भजन दो कारणों से करता है, या तो भय से करता है या लोभ से करता है। हम सब लोभ के कारण या भय के कारण मंदिर में आते हैं कि अगर हम ऐसा करें। अकर्म जो होता है, वेदों के अनुसार अकर्म को अधर्म कहा गया है। हम अधर्म का परिणाम है भय दिखाएगा कि अधर्म व्यक्ति ना करे, उसके लिए भय दिखाएगा कि नरक है, धर्म करेगा तो स्वर्ग है, लालच दिया गया, लोभ दिया गया है। मैं समझता हूं धर्म ना लोभ के कारण ना भय के कारण, निर्भय होकर के, कोई स्वर्ग नहीं, कोई नरक नहीं, उसका नाम लेना ही अपने आप में स्वर्ग है। मैं अगर मानव व्यवस्थित है, मानव का जीवन इस राष्ट्र के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, मानव हित के लिए, समाज के कल्याण के लिए है, तो मैं समझता हूँ वह भी ईश्वरीय, वो भले नाम ले, मंदिर आए या ना आए, तो भी ईश्वरीय कर्म कर रहा है। इस प्रकृति में अगर उसका योगदान है तो भी वह धार्मिक है। मैं समझता हूँ धार्मिक होना अलग विषय है और विभिन्न पंथ संप्रदाय का हो जाना अलग विषय है। तो मैं मेरे धारणाओं के अनुसार संसार में धर्म, धार्मिकता फैले,
जो मानव का कल्याण कर सके, समाज का कल्याण कर सके, राष्ट्र का कल्याण कर सके। और अपने अपने रीति रिवाज हैं, धारणाएं हैं, मानव अधिकांशतम जितने भी पद संप्रदाय देख रहे हैं वो मानवकृत हैं, वो मानवों के द्वारा बनाए गए हैं, इस मानव ने निर्माण किया गया है। ईश्वर ने जिसमें कोई परिवर्तन, अजीब बात है, मानव ने बनाया, यहाँ कुछ और व्यवस्था है, अरब में कुछ और व्यवस्था है, पश्चिम में कुछ और व्यवस्था है, अमेरिका में कुछ और व्यवस्था है, रूस में कुछ और व्यवस्था है, रहने की, सहने की, खाने की और पहनने की, अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, तो वो धर्म नहीं हो सकता है। धर्म का अर्थ है जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, अपरिवर्तनशील जो है, ईश्वरीय व्यवस्था जो समान रूप से लागू होती हो, वह उसे हम मैं धर्म मानता हूँ। और रही बात विभिन्न नाम लेकर के या किसी पंथ संप्रदाय को फॉलो करते, उसका पालन करते, अपने अपने मत के अनुसार सब अपने अपने पंथ संप्रदाय का पालन करें, अच्छी बात है, लेकिन राष्ट्र निर्माण में और मानव का हित का ध्यान रखते हैं, हम जिस समाज में रहें, जिस देश में रहें, जिस राष्ट्र में रहें, उसकी संस्कृति को ध्यान रखते, अपने अपने विश्वास को, अपनी अपनी आस्था का पालन करते, राष्ट्र निर्माण, मानव निर्माण में सहभागी बने। मंदिर मस्जिद को लेकर जिस तरीके से आज झगड़े हैं, परमात्मा के नाम को लेकर झगड़े हैं, तो क्या कहेंगे आप? दुख तो होता है, सत्य को जान करके भी आदमी नकारता रहे, दुख होता है इस बात का। मैं अपने धर्म का, मैं अपने पंथ संप्रदाय का पालन करूं, आप अपने पंथ संप्रदाय का पालन करें। दुर्भाग्य से इस देश में हमने विभिन्न पंथ संप्रदाय को स्वीकार कर लिया। एक विवेकानंद जी का छोटे से शब्द मेरे याद आए, दुर्भाग्य इस बात का नहीं है कि व्यक्ति धर्म परिवर्तन हो जाता है, दुर्भाग्य इस बात का है कि उसका पूरा कॉन्सेप्ट, विचारधारा ही बदल जाती है, इस राष्ट्र के प्रति, यहाँ के रहने वालों के प्रति, इस संस्कृति के प्रति। ये दुर्भाग्य की बात है। आप अपने पंथ का, संप्रदाय का पालन करें, बड़ी निष्ठा के साथ करें, आपका अभिनंदन है, लेकिन दूसरों की भी निजता का, पंथ संप्रदाय का भी आप ध्यान रखें। सबको समान अधिकार है, संवैधानिक भी, और मैं जिस संस्कृति में मैंने जन्म लिया है वहाँ भी सबको समान रूप से अधिकार है। सब लोग अपने पंथ संप्रदाय का पालन करते मानव के विकास में सहभागी बने, बस मैं इसे धर्म मानता हूँ। चलिए आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। आदरणीय, आपका भी बहुत बहुत आभार, आपने मुझे अवसर दिया, आपके माध्यम से मैं लोगों में मेरा एक संदेश पहुंचे, मेरे विचार पहुंचे, मैं आपका आभारी रहूंगा। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आचार्य जी को आपने सुना, फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।